अकबरपुर के ऐतिहासिक रामलीला का हुआ भव्य शुभारंभ। भव्य और विशाल शिव बारात निकालकर रामलीला का किया शुभारंभ। रामलीला समिति के पदाधिकारियों के साथ भारी संख्या में लोग रहे मौजूद। पूरा नगर श्रीराम के जयकारों से गुंजायमान हो गया। जनपद कानपुर देहात के अकबरपुर कस्बे की करीब 153 वर्ष पुरानी श्री रामलीला का शुभारंभ आज हो गया। ऐतिहासिक रामलीला का शुभारंभ भगवान शिव की भव्य बारात निकालकर किया गया, जिसमें भगवान शिव और पार्वती माता की झांकी के साथ भगवान श्री राम, माता सीता और पवन पुत्र हनुमान की आकर्षक झांकी लोगों का मन मोह रही थी। शिव बारात पूरे कस्बे में भव्यता के साथ निकाली गई। इस दौरान रामलीला समिति के साथ कस्बे के हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। शिव बारात निकलने के लिए दौरान लोगों ने पुष्प वर्षा भी की। वहीं श्री राम के जयकारों से कस्बा गुंजायमान हो गया। इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात था। जनपद के ऐतिहासिक श्री रामलीला समिति अकबरपुर के अध्यक्ष सूर्यकांत त्रिपाठी, उपाध्यक्ष अभिषेक गुप्ता, निको उपाध्यक्ष प्रदीप उर्फ बउआ पांडे, उपाध्यक्ष जितेंद्र त्रिवेदी पिटू, उपाध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव, महामंत्री अमित राजपूत, मंत्री विमलेश कुमार उर्फ पोतीलाल, मंत्री सत्यम ओमर, कोषाध्यक्ष अनुज त्रिपाठी व आय व्यय निरीक्षक जितेंद्र सिंह कुंडन, मीडिया प्रभारी मणि गुप्ता, मेला प्रभारी श्याम ओमर, कार्यकारिणी सदस्य महेंद्र कटियार, पपलू भैया, रामजी मिश्रा, विपिन चंद दीक्षित, चेयरमैन प्रतिनिधि जितेंद्र सिंह कुंडन, उमेश गुप्ता, विनोद तिवारी, प्रमोद मिश्रा, शिवशंकर मिश्रा, गुटू मिश्रा, पप्पू शुक्ला, नीरू ठाकुर, प्रशांत कुमार, धर्मेंद्र त्रिवेदी, गोविंद मिश्र, बंटाई शर्मा, त्रिकेश शर्मा, छप्पू द्वार, चंद्र शुक्ला, छोटे कौशल, जहान सिंह, सभासद सत्यम चतुर्वेदी, दिलीप उमर, विशाल तिवारी, ऋषि पुरवार, सोनू मिश्रा, प्रशांत अवस्थी, अरुण गुप्ता, अशोक मिश्रा, आशीष दीक्षित, कन्हैया गुप्ता, धर्मेंद्र राजपूत, सुल्तान सिंह, पवन गुप्ता, अखिलेश श्रीवास्तव, गिरिजेश त्रिपाठी, मनीष पांडे, श्याम तिवारी आदि लोग मौजूद रहे। न्यूज उत्तर प्रदेश चैनल से ब्यूरो चीफ बिंदु गुप्ता की रिपोर्ट।